Yes, students, in this chapter I have discussed with you different factories and entrepreneurs, name of entrepreneurs, those who set up with British collaboration. Important name of these entrepreneurs were Dwarkanath Tagore, Dinsha Patti, Seth Hukam Chand, G.D. Birla. Okay, then G.D. Birla, Hanji, you can write. Next, Bengal se Dwarkanath Tagore, he set up 6 joint stock companies. Then Bombay se Dinsha Patti from Parsi community. He also earned a lot from China trade. Raw cotton shipments jati thi unki. Then Seth Hukam Chand, Marwadi businessman. He set up first Indian ko underline karo, Indian jute mill in 1917 in Calcutta. Then G.D. Birla, Birla Industries ke founder mane jate hain. He also invested and earned a huge profits by China trade. Inke name just likho. Next, J.N. Tata. J.N. Tata, he set up in 1912 in Jamshedpur, iron and steel factory. Iron and steel factory in 1912. जिनको फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कौन, किनको कहते हैं, जे एन टाटा. कौन से ईयर में सेटअप किया, 1912. आज के टाइम पीरियड में ये लेटेस्ट कंपनी, इसका नाम पता क्या है, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन. आज के टाइम में इसको टिस्को कहा जाता है, तो इतना फेमस है ये, उस टाइम से स्टार्ट हुआ है. इसकी फाउंडर जो है कौन थे, जे एन टाटा. ठीक है, अब बच्चे इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं. आप खुद सोचो कि हमारी कंट्री में जब ब्रिटिशर्स ने इन एंटरप्रेन्योर से इन्वेस्टमेंट तो मांगी, बट देवर नॉट फ्री टू टेक एनी काइंड ऑफ बिजनेस डिसीजंस. अब ऐसी कंट्री जिस कंट्री में बिजनेसमैन इन्वेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन उनको कोई फ्रीडम नहीं दी जा रही है किसी भी तरह से, तो उस कंट्री में क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, ठीक है, वो अपने आप को बहुत ज्यादा जो है वो इन्फीरियर फील करेंगे. रीजन क्या, क्योंकि उस टाइम पीरियड में हमारी कंट्री में ना बेटा थ्री मैनेजिंग एजेंसीज होती थी जो पूरा ट्रेड मैनेज करती थी. इनको बोलते थे यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज, जो हमारी कंट्री से फॉरेन कंट्रीज में क्या ट्रेड होगा उसको रेगुलेट करती थी. नंबर वन थी बर्थ एंड हाइग्लर्स कंपनी, बर्थ एंड हाइग्लर कंपनी फॉरेन कंपनी थी और हमारे इंडिया में बिजनेस जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसको डील करती थी. यानी कि एट दैट टाइम इनका एक अलग से चैम्बर ऑफ कॉमर्स बना हुआ था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसमें सारे मेंबर्स थे ब्रिटिशर्स, नो इंडियन मेंबर वाज देयर. यानी कि हमारी कंट्री का कोई भी इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन जो है, दीज वर टेकन बाय दीज यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज. सेकंड थी एंड्रयू यूल, इनका ग्रुप था. थर्ड थी जार्डिन एंड स्किनर, जार्डिन एंड स्किनर. जैसे अब के टाइम में हम कहें हमारी कंट्री में अगर ऐसा ग्रुप होता तो उसमें होते सारे एडिडास, फॉरेन ब्रांड है. सेकंड लेविस, थर्ड गुच्ची. ठीक है, ऐसे उस टाइम पर ये सारे, यस की पॉइंट, ओके, यस, उस टाइम पीरियड में ये सारे फॉरेन कंपनीज थी.
एंड दीज कंपनीज दे होल्ड द बिजनेस डिसीजंस, उनके हाथ में सारा बिजनेस डिसीजंस होता था एंड इंडियंस वर नॉट परमिटेड टू टेक एनी डिसीजन, दे कुड ओनली इन्वेस्ट एंड रेस्ट अदर डिसीजंस वर टेकन बाय दीज, कि हमारी कंट्री से क्या इंपोर्ट होगा, क्या एक्सपोर्ट होगा, कितने परसेंट चाहिए, कितने परसेंट है, तो सारा जो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन भी इनके अकॉर्डिंग ही होती थी. सो दिस वॉज अ रीजन, शायद आपने याद होगा जब हमने नेशनलिज्म इन इंडिया किया था उस टाइम मैंने आपको बताया था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इंडियन बिजनेसमैन एंड मर्चेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया. वाय? एंड उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी. कौन सी बनाई थी ऑर्गेनाइजेशन, याद है आपको? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर इंडस्ट्री, फिक्की कहते थे इसको, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर इंडस्ट्री. तब जाकर बनाया उन्होंने अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम बिजनेसमैन हैं, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारे डिसीजन जो है उनको वैल्यू नहीं दी जाती है. तो इसीलिए उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया एंड दे ऑल्सो फाउंडेड दिस ऑर्गेनाइजेशन इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स. पहले ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स था ये क्या था, क्या था, फॉरनर थे सारे मेंबर इसमें. सो दिस वॉज द मेन रीजन वाई मैनी इंडियन बिजनेसमैन दे वर नॉट सेटिस्फाइड. क्लियर? यस. अब बच्चे आपको ये पता लग गया कि हमारी कंट्री में एंटरप्रेन्योर्स कौन थे, आपको ये भी पता है कि हमारी कंट्री में फैक्ट्रीज कौन से ईयर में आई, आपको ये भी पता है कि हमारी कंट्री में उस टाइम पर में सिस्टम जो था वो सारा फॉरेन कंट्रोल था. नाउ लास्ट पार्ट इज अबाउट लेबर्स, वर्कर्स. तो नेक्स्ट पार्ट इज लाइफ ऑफ वर्कर्स. पहले हमने पढ़ी थी लाइफ ऑफ वर्कर्स इन यूरोप, अब हम पढ़ेंगे लाइफ ऑफ वर्कर्स इन इंडिया. लाइफ ऑफ वर्कर्स वीवर्स जो कपड़ा बनाने का काम करते थे, लाइफ ऑफ वर्कर्स वीवर्स उनके बारे में हमने पूरा बताना है. लाइफ ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स आपको याद है नेशनलिज्म इन इंडिया में हमने जब महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह लॉन्च किया था तो अहमदाबाद में कौन से वर्कर्स ने सत्याग्रह लॉन्च किया था? कॉटन. यस, वेरी गुड. कॉटन मिल क्यों किया था? देवर पेड लेस. तो वही पॉइंट यहाँ पे आएगा. नंबर वन, जब ये ब्रिटिश फैक्ट्रीज थी ना तो ब्रिटिशर्स दे वॉन्टेड टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. प्रॉफिट कैसे आएगा? जब वो वर्कर्स को सैलरी कम दे. ठीक है, सो लेस वेजेस फॉर वर्कर्स. एक तो प्रॉब्लम क्या थी, वेजेस बहुत कम थी. सेकंड, टू लॉन्ग वर्किंग आवर्स वर वेरी लॉन्ग, लॉन्ग वर्किंग आवर्स. काम बहुत ज्यादा करवाते थे, ओवरटाइम की मनी नहीं मिलती थी. देन थर्ड, नो सिक्योरिटी मीन्स एनी टाइम दे कैन बी डिटेन फ्रॉम द जॉब. फोर्थ, नो मेडिकल फैसिलिटी. मिल या इंडस्ट्री में काम करते टाइम अगर किसी वर्कर के साथ कोई एक्सीडेंट या कोई कुछ किसी भी तरह से कोई एक्सीडेंट या कोई प्रॉब्लम हो जाती थी, दे वर नॉट पेड मेडिकल कॉम्पनसेशन. एंड दैट्स वाई एट दैट टाइम मैनी वर्कर्स दे वर नॉट सेटिस्फाइड इन दीज इंडस्ट्रीज, बट उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि ऑलरेडी कंट्री में क्या हो चुका था, कॉटन टेक्सटाइल की डिमांड कम हो चुकी थी. इंडिया सिर्फ एक रॉ कॉटन की मार्केट बन के रह गया था और इंडिया में लोग जो थे वो मशीन मेड गुड्स को प्रेफर कर रहे थे. हैंडमेड गुड्स जो हैं वो उनकी डिमांड कम हो गई. कंट्री में वेस्टर्न कल्चर आ रहा था और यही रीजन था कि इस टाइम पर में मैनी पीपल दे बिकेम अनएम्प्लॉयड. और जब फैक्ट्रीज खुली तब जब उनको काम मिला भी, व्हाट देयर सर्कमस्टांसेस एंड जॉब एनवायरमेंट वर नॉट वाज नॉट प्रॉपर. अब और हाँ जी, आज के टाइम में तो लेबर एक्ट है ना, आज के टाइम में तो लेबर एक्ट है, but at that time no act were there because at that time
गवर्नमेंट वॉज कॉलोनियल, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, है ना, तो दे कैन टेक एनी डिसीजन, वो कोई भी डिसीजन ले सकते थे, तो उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, आज के टाइम में तो चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है, यस। अब आपको ये बताना है मोस्टली वर्कर्स आते कहां से, पिलप्री थानजी बच्चे, बॉम्बे एंड कानपुर, व्हाट हैपेंड, मोस्टली विलेजेस जो थे बॉम्बे और कानपुर के आसपास के एरियाज, वहां से ये वर्कर्स आते थे, एंड वन नेम वॉज वेरी फेमस फ्रॉम बॉम्बे, दैट वॉज रत्नागिरी। रत्नागिरी आपको वन मार्क क्वेश्चन आ सकता है, किन फैक्ट्रीज में सबसे ज्यादा वर्कर्स, बच्चे अगर इंडिया की बात की जाए तो हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा लेबर कहाँ पे है, बिहार से आती है। ऐसे अगर बॉम्बे की बात की जाए तो बॉम्बे की कॉटन मिल्स में सबसे ज्यादा लेबर्स कहाँ से आते थे, रत्नागिरी, और कानपुर के आसपास के जो विलेज होते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती थी उस टाइम पीरियड में, जॉब के लिए वर्कर्स को फैक्ट्रीज में लाना बहुत मुश्किल होता था, बिकॉज एट दैट टाइम वर्कर्स ट्रांसपोर्टेशन, वेरी गुड ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम, या फिर विलेजर जो थे वो अपने एरियाज या अपनी फार्मिंग लैंड नहीं छोड़ना चाहते, वो तभी छोड़ेंगे जब उनको क्या किया जाएगा, या तो कन्विंस किया जाएगा या कंपेल किया जाएगा। तो इसके लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक पर्सन जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता था, जॉबर कहते थे उसको, जॉबर को एम्प्लॉय करना शुरू कर दिया। जॉबर कौन होते थे, वन मार्क क्वेश्चन, हु वर कॉल्ड जॉबर्स, आपकी बुक में अगर एक इमेज आप देखोगे ना तो जॉबर्स ऐसा ऐसे थे कुछ, ये लुक एट दिस, यस जॉबर्स, ठीक है, ये कुछ ऐसे जो है इनकी ड्रेसिंग होती थी, यस बच्चे। अब इनका मेन काम क्या होता था, जॉबर्स का मेन काम क्या था, राइट डाउन, हु वर कॉल्ड जॉबर्स, जॉबर्स वर गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉबर्स वर गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिक्रूट द वर्कर्स, टू रिक्रूट वर्कर्स, यानी कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती थी, वर्कर्स को रिक्रूट करना, वर्कर्स को कन्विंस करना, वर्कर्स को लेकर आना। जैसे आज के टाइम में पीरियड में ना, अगर मैं जॉबर की एग्जांपल आज के टाइम में दूं ना, तो जैसे एजेंसीज होती है ना, एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज हैं, आप क्या करते हो, जब आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी, आप सभी बच्चे क्या बनाएंगे, अपना रिज्यूम, आपकी डिग्री क्या है, जो भी है ना करिकुलम, सीवी बनाते हो अपना, सीवी कहते हैं उसको या रिज्यूम कहते हैं, वो रिज्यूम क्या करोगे, उसकी एक कॉपी जो है वो आप उस एजेंसी को दे दोगे, और उस एजेंसी के साथ टाई अप करोगे कि अगर आप मुझे किसी अच्छी फॉर्म या इंडस्ट्री में जॉब दिलाते हो तो फर्स्ट सैलरी एंड सम परसेंट ऑफ कमीशन विल बी गिवन टू यू। इससे फायदा किसका होगा, दोनों का होगा, पर्सन को जॉब मिल जाएगी एंड कंपनी क्या कर रही है, जो एजेंसी है वो क्या कर रही है, दैट इज अ एजेंट बिटवीन यू एंड इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री और आपके बीच में एज अ मिडल मैन काम करे। सिमिलरली प्रॉपर्टी मैन, जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं वो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर क्या करते हैं, एक पार्टी बेचती है दूसरी पार्टी खरीदती है, दोनों के बीच का जो भी परसेंट कमीशन होता है दोनों ही किसको देते हैं, डीलर को। तो आप ये सोचो कि इस टाइम पीरियड में जॉबर भी ऐसे ही थे, जॉबर्स का मेन, विनीत हांजी सिट पॉपल, जॉबर्स का मेन काम क्या था, दैट टू रिक्रूट वर्कर्स फ्रॉम विलेज एरियाज, एंड फॉर दैट दे मूव, वो हमेशा मूव करते रहते थे फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, आसपास के विलेज एरियाज में जाकर लोगों से मिलते थे और उनको वर्किंग कंडीशंस या इंडस्ट्रीज के बारे में बताते थे, क्योंकि उस टाइम पर में न्यूज़पेपर तो होते नहीं थे, टेलीविजन नहीं था, मीडिया नहीं था, तो लोगों को पता कैसे लगेगा कि काम कैसे मिलना, तो उस टाइम पीरियड में जॉबर्स जो थे उनका ये मेन काम होता था। यस, दे वर गिवन सैलरीज, वेरी गुड, दे वर गिवन सैलरीज फ्रॉम द गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको सैलरी पे करती थी, दे वर गिवन सैलरीज प्लस एज वेल एज दे अर्न कमीशन, उनकी मेन इनकम होती थी कमीशन, वर्कर्स को सिटीज में लाना और उनके रहने का सारा अरेंजमेंट करवाना ताकि वर्कर्स काम छोड़कर ना जाए, ठीक है, गिफ्ट्स भी लेते थे,
यानी कि जॉबर्स की ना विलेज एरियाज में और सिटीज में बहुत रिस्पेक्टेबल एक पोजीशन मानी जाती थी। जब किसी को काम नहीं मिलता था तो जॉबर्स को अप्रोच करते थे काम के लिए। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि बहुत सी फैक्ट्रीज, बहुत सी इंडस्ट्रीज में ये इंडस्ट्रीज के भी एजेंट्स होते, जरूरी नहीं है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको सैलरी देगी, ये इंडस्ट्रीज के भी एजेंट्स होते थे। हर इंडस्ट्री अपने लिए अलग अलग जॉबर्स अपॉइंट करती थी और ये जॉबर्स अलग अलग एरियाज में जाकर इंडस्ट्री के लिए वर्कर्स ढूंढते थे, क्योंकि वर्कर सारे के सारे वर्कर एक जैसे नहीं होते, हर चीज के लिए स्पेशलाइजेशन चाहिए होती। एक अगर कॉटन मिल की बात करें, स्पेशलाइजेशन में कोई पर्सन थ्रेड बनाने में एक्सपर्ट होता, कोई पर्सन डाई करने में एक्सपर्ट होता, कोई पर्सन एम्ब्रॉयडरी करने में एक्सपर्ट होता। तो अलग अलग तरह से ये जॉबर्स जो थे वो विलेज एरियाज में जाकर ऐसे वर्कर्स को ढूंढते थे और उनको इंडस्ट्री में या कंपनी में जॉब दिलाने में हेल्प करते। क्लियर? नाउ इट इज क्लियर। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जॉबर एंड गोमाश्ता, जॉबर एंड गोमाश्ता, ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जॉबर एंड गोमाश्ता? गोमाश्ता क्या करते थे? गोमाश्ता थे पेड सर्वेंट ऑफ कंपनी, पेड सर्वेंट ऑफ कंपनी। यस, रेज योर हैंड। How jobbers were different from gomashtas? Yes, Raghav Arora. How jobbers were different from gomashtas? Yes, mic nahi on hua aapka. Ek minute. Bhumika. Ma'am, gomashtas they check the quality of the cloth. Very good. Hanji. And jobbers, they recruit the workers. Yeah, very good. जो गुमाश्तास थे उनका मेन काम क्या था? वो कपड़े की क्वालिटी चेक करते थे। They supervised the work of weavers and supplied, and जो भी उनकी रेडीमेड क्वालिटी या जो भी उनका फाइनल डिलीवरी होती थी वो लेते थे। यस राघव सदाना, हांजी बच्चे बोलो। ठीक है बच्चे, एनी अदर पॉइंट? हाँ जी, गुमाश्तास दे एक्सप्लॉइटेड द वीवर्स, दे टॉर्चर्ड विद द पुलिस एंड आर्मी, पर जॉबर की पोजीशन जो थी वो रिस्पेक्टेबल थी सोसाइटी में। ठीक है, यस। अब इसके बाद टाइम आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। नेक्स्ट टॉपिक, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बच्चे, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई उस टाइम पीरियड में आपको पता है हमारी कंट्री में ब्रिटिश गुड्स आने बंद हो गई कुछ देर के लिए। सोचो क्यों, क्या रीजन हुआ होगा उस टाइम पीरियड में जब हमारी कंट्री में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यस, माधव इज राइट, वॉर रिलेटेड गुड्स। जिस टाइम पीरियड में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई उस टाइम पीरियड में हमारी कंट्री में ब्रिटिश मिल्स की जो बनी हुई रेडीमेड गुड्स वो कुछ देर के लिए बंद हो गई, क्योंकि दोनों ही तरफ चाहे ब्रिटेन में चाहे इंडिया में मेन जो थी वो क्या चाहिए था? वॉर रिलेटेड गुड्स। कौन कौन सी होती हैं वॉर रिलेटेड गुड्स? ओके, गन्स, वेपन्स, गन पाउडर, आर्म एंड एमिनिशन, कैनन्स के लिए उस टाइम पीरियड में ना कैनन्स होती थी। ओके, नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म, सोल्जर्स की यूनिफॉर्म, लेदर शूज। केशव, व्हाट हैपन बेटा? स्टार्ट अप, नो, हाँ जी, लेदर, लेदर शूज, टेंट्स, यूनिफॉर्म बनाने का जो मटेरियल सारा टेक्सटाइल है ना। ठीक है, हाँ दिलप्रीत, कीप क्वाइट बेटा, आप कीप क्वाइट। यस, वॉर रिलेटेड गुड्स वर प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन एंड एज वेल एज इन इंडिया, बट फॉर दैट टाइम पीरियड, यानी कि कुछ देर के लिए हम ये कह सकते हैं दैट मैनचेस्टर, यानी कि ब्रिटिश जो गुड्स थी हमारी कंट्री में, मैनचेस्टर गुड्स स्टॉप। एंड एट दैट टाइम
Indian industries were set up. Many industries were set up in India. New industries, new factories. इसका एक रीजन ये भी माना जाता है, जब ब्रिटेन से शिप इंडिया आता था तो रास्ते में कोई भी कंट्रीज पे अटैक कर सकती थी, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कंट्रीज के बीच में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बंद हो गई। तो अब इंडिया में बहुत सी फैक्ट्रीज बनी, लेबर डबल शिफ्ट में काम करते थे, और इंग्लैंड के लिए, इंग्लैंड के सोल्जर्स के लिए जो भी वॉर रिलेटेड गुड्स होती थी उनको प्रोड्यूस किया गया। और इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम ये कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में इंडियन इंडस्ट्रीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि उस टाइम पीरियड में फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गया था, और ऐसे में मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, इंडियन इंडस्ट्रीज। तो वॉर के बाद मैनचेस्टर कुड नेवर रिकैप्चर का मतलब होता है कि जो उसकी पुरानी पोजीशन थी उसको कैप्चर नहीं कर पाया। मैनचेस्टर कुड नेवर रिकैप्चर इट्स ओल्ड पोजीशन। और धीरे धीरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमारी कंट्री में ब्रिटिश कॉटन टेक्सटाइल आना बंद हो गया, और हमारी कंट्री में अब इंडियन इंडस्ट्रीज जो थी वो इंडियन मार्केट के लिए गुड्स जो हैं वो बना रही, ठीक है। और साइड बाय साइड एक तरफ तो इंडस्ट्रियल गुड्स भी थी, दूसरी तरफ हैंडीक्राफ्ट भी था। हैंडीक्राफ्ट मींस हैंडलूम इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हैंडलूम इंडस्ट्री, मैं आपको दो एग्जांपल देती हूँ। बनारसी साड़ी, जरी वर्क, एम्ब्रॉयडरी। हमारी कंट्री की बनारसी साड़ी और जरी वर्क ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है, ठीक है। तो ये दोनों जो है मशीन में नहीं बन सकती, ठीक है, मशीन इनको कॉपी नहीं कर सकती। ये अभी भी क्या है, हैंडमेड। दिल्ली में सूरज कुंड का फेयर लगता है हर साल, और उसमें अलग अलग स्टॉल्स होते हैं, और उसमें जो भी सामान आप देखोगे ना, एक काइंड ऑफ एग्जीबिशन होता है, जूट बैग्स, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हैंडीक्राफ्ट, हैंडमेड होती। इसका मतलब है हमारी कंट्री में एक तरफ इंडस्ट्रीज भी बन रही थी और दूसरी तरफ हैंडीक्राफ्ट भी बहुत फेमस हो रहा। आज भी हमारी कंट्री का हैंडीक्राफ्ट फॉरेन मार्केट में उसकी बहुत डिमांड है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में नो डाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन का ब्लेसिंग्स भी हैं, कर्स भी है, कहीं ना कहीं वर्कर्स को लॉस भी हुआ, नुकसान भी हुआ। लेकिन कई बार हम ये भी सोचते हैं कि अगर ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री में इंडस्ट्रीज, रेलवे ट्रैक्स की स्टार्टिंग उन्होंने की, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो ब्लेसिंग्स भी हैं और कर्स भी हैं, ठीक है। देन लास्ट एडवर्टाइजमेंट्स। एडवर्टाइजमेंट्स बेटा क्या होती हैं, किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए कुछ एडवर्टाइजमेंट्स बनाई जाती हैं। पुराने टाइम में ये एडवर्टाइजमेंट्स थी। दीज काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स वर एट दैट टाइम। इसमें आप देखोगे, यू कैन सी, इसमें आप देखोगे एक सोप की एड है, और उसके ऊपर लॉर्ड विष्णु जो है उनकी इमेज बनाई गई। तो आप खुद सोचो कि पुराने टाइम पीरियड में प्रोड्यूसर्स अपनी चीजों को बेचने के लिए कैसे एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं वो करते होंगे, क्योंकि उस टाइम पीरियड में टेलीविजन नहीं था, ठीक है, लोगों के पास न्यूज़पेपर भी इतने नहीं थे, और कैसे उस टाइम पीरियड में लोगों को चीजों के बारे में पता लगता था। तो नंबर वन, एडवर्टाइजमेंट्स कहाँ पे की जाती थी, कैलेंडर्स। राइट डाउन नंबर वन, कैलेंडर्स। बच्चे उस टाइम पर में हमारे इंडिया में दो तरह की मेन पब्लिसिटी होती थी, या तो फॉरेन गुड्स या फिर इंडियन गुड्स। फॉरेन गुड्स और इंडियन गुड्स जो है उनकी पब्लिसिटी कैसे करते थे, एडवर्टाइजमेंट्स। इंडियन प्रोड्यूसर एडवर्टाइजमेंट कैसे करते थे, कैलेंडर्स के ऊपर इमेजेस ऑफ इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस, इमेजेस ऑफ इंडियन गॉड एंड गॉडेसेस, ताकि देखने से ही पता लगे कि ये ब्रांड कौन सा है, इंडियन। हाँ, तो उस तरह उस पर्टिकुलर टाइम पर में, सपोज मैंने आपको एग्जांपल बताया, सोप कंपनी थी वो इंडियन थी,
वो चाहते थे कि इंडियन जो है वो इंडियन सोप खरीदे, तो उसके ऊपर कौन सी इमेज बनाई उन्होंने, लॉर्ड विष्णु, ताकि उनको देखने से लोगों को पता लगे कि इंडियन है, इंडियन इंडियन गुड्स जो है वो परचेज करें। इमेजेस ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, जैसे गॉडेस सरस्वती, गॉडेस लक्ष्मी, दीज वर शोन ऑन इवन क्लोथ लेबल्स आल्सो, क्लोथ के ऊपर भी इनकी लेबलिंग होती थी, ठीक है। सेकंड, दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स ने क्या, उन्होंने कौन सा मेथड अडॉप्ट किया, लेबलिंग। लेबलिंग का मतलब जैसे हम कहते हैं ना मेड इन इंडिया, उनकी लेबलिंग क्या थी, मेड इन मैनचेस्टर, राइट डाउन, लेबलिंग। फॉरनर जो थे, इंडिया इंडस्ट्रीज जो थी, ब्रिटिश से जो चीजें हमारी कंट्री में आती थी उनके ऊपर लेबलिंग क्या होती थी, मेड इन मैनचेस्टर। बेटा जिस टाइम आती थी उस टाइम की बात करूं, जब आती थी, पूरी तरह से स्टॉप नहीं हुआ, आना आता तो था, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि इस टाइम पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए रुक गया था, उससे पहले तो आता ही था ना। यस, मेड इन मैनचेस्टर। अब कई यूथ ऐसे थे जो यंग जनरेशन होती है उस टाइम, आप खुद सोचो कि वो क्या क्या खरीदते होंगे ज्यादा, इंडियन की फॉरनर, मेड इन मैनचेस्टर, स्वदेशी से पहले, यानी कि जिस टाइम पर हमारी कंट्री में स्वदेशी मूवमेंट से पहले बहुत से यूथ जो थे वो मेड इन मैनचेस्टर देकर क्लोथ खरीदते थे। ये तो बाद में जब महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी क्लोथ जो है, यानी कि फॉरेन गुड्स को बर्न करने का जो है वो सत्याग्रह लॉन्च किया या एक मूवमेंट चलाई, देन पीपल दे कन्विंस्ड एंड दे बर्न फॉरेन क्लोथ। लेकिन उससे पहले मोस्टली जो लोग थे वो मेड इन मैनचेस्टर देखकर उनको लगता था कि फॉरेन की गुड्स जो है वो ज्यादा अच्छी है, उनकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, कपड़ा ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू इंडिया। देन थर्ड, इंडियंस क्या यूज करते थे, इमेजेस ऑफ रॉयल फिगर्स किसी प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह, टू प्रिंट इमेजेस ऑफ रॉयल फिगर्स, फॉर एग्जाम्पल महाराजा रंजीत सिंह। और कई बार तो ब्रिटिशर्स भी इनको कॉपी करते थे ताकि लोगों को क्या किया जाए, कंफ्यूज किया जाए। अब यहाँ पे देखो महाराजा रंजीत सिंह की जो पिक्चर है, कई बार मैनचेस्टर आइटम्स के ऊपर भी वो लगा देते थे। अब ये ब्रिटिशर्स दे वर वेरी इंटेलिजेंट ना, इंडियंस को कंफ्यूज करने के लिए कई बार ब्रिटिश गुड्स के लेबलिंग पैकेजिंग के ऊपर भी रॉयल फिगर्स की इमेजेस लगाकर चीजों को मार्केट में बेचा जाता था। देन नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट मैसेजेस, पता तो लगता था लेकिन जस्ट पब्लिसिटी, ये पब्लिसिटी स्टंट होता था, ठीक है। देन इज इंपॉर्टेंट मैसेजेस, इंपॉर्टेंट मैसेजेस, मैसेजेस का मतलब जैसे क्या है, जैसे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर लिखा जाता था मैसेज दैट इफ यू आर इंडियन बाय इंडियन, अगर आप भारतीय हो तो भारतीय चीजें खरीदो। जैसे आज के टाइम में कहते हैं ना मेड इन इंडिया, है ना, ऐसे उस टाइम पर में स्लोगन्स, बहुत से स्लोगन्स को पब्लिसिटी मिली, लाइक बाय इंडियन, इफ यू आर इंडियन बाय इंडियन, स्वदेशी अपनाओ, ऐसे इंडियन जो थे वो अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर ऐसे मैसेजेस लिखते थे ताकि लोग इनको खरीदें, मैसेजेस पढ़कर इनको खरीदें, ठीक है। इसके अलावा पोस्टर्स, उस टाइम पीरियड में तो टीवी में ऐड होती नहीं थी, पोस्टर्स बस स्टैंड्स या रेलवे स्टेशंस की जो वॉल्स होती थी उनमें बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए जाते थे, एंड बच्चों की जो चीजें होती थी उसके ऊपर लॉर्ड कृष्णा के इमेजेस, दोनों ही इंडियंस भी और फॉरनर्स भी, जितनी भी बच्चों से रिलेटेड चीजें होती थी। जैसे आपकी बुक में दिया गया है ग्राई वाटर, ग्राई वाटर का एग्जाम्पल है जिसपे लॉर्ड कृष्णा की इमेज बनाई गई है, वो इसलिए ताकि जो बेबी प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट में बेचा जाए और लोगों को ये लगे कि लॉर्ड कृष्णा की फोटो है तो ये रिलीजियस या प्योर होगी। सो इस तरह से उस टाइम पीरियड में एडवर्टाइजमेंट जो है वो ऐसी एडवर्टाइजमेंट होती थी। क्लियर?